यूपी के 15 से ज्यादा जिलों में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन की शुरुआत पश्चिमी यूपी के फिरोजाबाद से हुई, जहां प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव किया। पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई, जिसके बाद फिरोजाबाद पुलिस की तरफ से उग्र प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए हवाई फायरिंग की गई। साथ ही आंसू गैस के भी गोले दागे गए। इस दौरान उपद्रवियों ने फिरोजाबाद में नालबंद पुलिस चौकी भी फूंक दी। छोटे छोटे गुतों में उतरे प्रदर्शनकारियों ने रास्ते में खड़े कुछ वाहनों में भी आगजनी की। बहराइच में भी जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। बताया जा रहा है कि नमाज के बाद पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब प्रदर्शनकारी उग्र हो गए तो पुलिस ने लाठियां बरसाना शुरू कर दी। यही नहीं, उग्र प्रदर्शनकारियों के ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। लाठी चार्ज में कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी सूचना है। वहीं इस उपद्रव में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। यही हाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर का रहा। यहां कोतवाली इलाके में पुलिस पर पथराव किया गया। एडिशनल एसपी की गाड़ी पर भी पत्थर फेंके गए। यहां दो युवकों को संदिग्ध मानकर भीड़ ने पिटाई कर दी। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव करते हुए जमकर तोड़फोड़ भी की और उपद्रवियों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हालात पर काबू करने के लिए आला अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। ऐसा ही कुछ मंजर अमरोहा का रहा, जहां अमरोहा में प्रदर्शनकारियों ने जुम्मे की नमाज के बाद पुलिस पर पथराव किया। उपद्रवियों ने नागरिकता कानून को वापस लिए जाने की मांग करते हुए कई जगहों पर आगजनी भी की। बेकाबू भीड़ को काबू पाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और इसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। मेरठ में भी जुम्मे की नमाज के बाद हालात बेकाबू हो गए। यहाँ उपद्रवियों और पुलिस आपस में भिड़ गए। हिंसा में गोली लगने से एक की मौत हो गई, जिसके बाद उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव भी किया। हालात को काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। वहीं हापुड़ में जुमे की नमाज के बाद शांतिपूर्ण प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस दौरान उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए उनमें आग लगा दी। इसके बाद आला अधिकारियों ने उग्र भीड़ को शांत कराने के लिए अनाउंसमेंट भी किया। बिजनौर में नमाज के बाद भारी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। यहां प्रदर्शनकारियों ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर उत्पात मचाया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इस पथराव में लगभग एक दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। बुलंदशहर में नागरिकता कानून के नाम पर जमकर उत्पात मचाया गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। इस दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई और इसके अलावा उपद्रवियों ने गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया। बुलंदशहर में झड़प के दौरान पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी भी घायल हुए। वहीं फरुखाबाद में नमाज के बाद जामा मस्जिद के पास पुलिस पर पथराव हुआ। उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, जिसके बाद उपद्रवियों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। साथ ही कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। कानपुर में भी हजारों लोगों ने नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। यहां लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। परेड चौराहे और बाबूपुरवा में गाड़ियों में आगजनी की गई। पुलिस ने भीड़ पर लाठी चार्ज किया। संवेदनशील इलाकों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च किया। गाजियाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र के कैला भट्टा पर नागरिकता कानून के खिलाफ उग्र प्रदर्शन हुआ। पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने उग्र प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। इस प्रदर्शन में कई पुलिसकर्मी समेत प्रदर्शनकारी भी घायल हुए। हालात को बिगड़ता देख गाजियाबाद के एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने मोर्चा संभाला और उग्र प्रदर्शनकारियों को शांत रहने की अपील की। हाथरस में नागरिकता कानून के खिलाफ मुस्लिम समाज ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। वहीं विरोध प्रदर्शन के देखते हुए पुलिस ने जिले में फ्लैग मार्च भी किया। मुजफ्फरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर खदेड़ा। इस दौरान उपद्रवियों ने गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की। मुरादाबाद में करीब 1,00,000 प्रदर्शनकारियों ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जुम्मे की नमाज के बाद जामा मस्जिद के बाहर पोस्टर और बैनर के जरिए विरोध जताया। एसएसपी अमित पाठक ने जामा मस्जिद इलाके का जायजा लिया और शांतिपूर्ण प्रदर्शन को खत्म कराया गया। भदोही में जुम्मे की नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन हुआ। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में जमकर उत्पात मचाया, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। हालांकि इस प्रदर्शन में उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। बागपत में नागरिकता कानून को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दी। जुमे की नमाज के बाद पुलिस ने इलाके में गश्त किया। मस्जिदों के बाहर मौजूद भीड़ ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं नागरिकता कानून के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। पीएम मोदी संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया।
प्रदर्शनकारियों ने एनआरसी सीएए के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई। गोंडा में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन भी खासा अलर्ट रहा। मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई। साथ ही शहर में इंटरनेट पर भी पाबंदी लगा दी गई। बदायूं में नागरिकता कानून को लेकर डीएम और आईजी ने शहर वासियों से शांति की अपील की। जुमे की नमाज के बाद शहर में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हुआ। फिलहाल यूपी के कई जिलों में हुई उग्र हिंसा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाई लेवल की बैठक बुलाई है। खबर लिखे जाने तक मेरठ में एक युवक की मौत हुई, जबकि कानपुर में 8 प्रदर्शनकारियों को गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए कानपुर के हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही यूपी के कई जिलों में इंटरनेट भी बंद किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।